Dear viewers, greetings of the day. I welcome you in this new video session on education reform. As you know, we regularly launch videos on the following. Number 1, solar clock application and decision making on day-to-day problems. Number 2, use of ShagunSoft apps to boost monthly income of our followers through work from home options. Number 3, arrange video making contests to motivate inherent talents of our followers. हमारे चैनल की व्यूअरशिप से पता चलता है कि आपको एजुकेशन रिफॉर्म के नए वीडियोस का इंतजार रहता है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नया वीडियो आपको मिल सके। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। हमारा फ़ोन नंबर है 975-5039-605, व्हाट्सएप नंबर है 9340270892 और ईमेल ssgraphicdurg@gmail.com है। सोलर क्लॉक सॉफ्टवेयर के उपयोग से लोग डेली रूटीन के इम्पोर्टेंट कामों में सही निर्णय लेकर दैनिक जीवन को व्यवस्थित करते हैं। हमें लोगों के फोन कॉल करियर संबंधी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रतिदिन आते हैं। प्रश्नकर्ता की आइडेंटिटी गुप्त रखते हुए हम सोलर क्लॉक करियर काउंसलिंग के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आज के प्रश्न द्वारा आपको सूर्य घड़ी की नई एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की जाएगी। प्रश्नकर्ता अनेक हैं और वे सभी सोलर क्लॉक के फॉलोअर हैं। वे सब जानना चाहते हैं कि है क्या सूर्य घड़ी बता सकती है कि 1924 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस प्रश्न से मुझे सोलर क्लॉक के नए उपयोग जानने की नई दिशा में रुचि दिखाई है। सूर्य घड़ी एक डिसीजन मेकिंग टूल है, इसलिए यह घड़ी जनता द्वारा सही प्रधानमंत्री चुनने में सहायक हो सकती है। सोलर क्लॉक इज यूज्ड टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। यहाँ भारत की जनता का दैनिक सोलर क्लॉक डिस्प्ले 15th August 2021 का प्रस्तुत है। सूर्य घड़ी का उपयोग टाइमलाइन पिनियस ग्राफ तैयार करने के लिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई 6 लाइफ साइकल्स से होकर जीवन व्यतीत करना होता है। ये 6 लाइफ साइकल्स इस प्रकार हैं। 1. एक्वायरिंग न्यू हॉबीज ड्यूरिंग एज लेस देन और इक्वल टू 12 years। 2. करियर मेकिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग एज ग्रेटर देन 12 एंड इक्वल टू 24 years। 3. फैमिली मेकिंग ड्यूरिंग एज ग्रेटर देन 24 एंड इक्वल टू 36 years। 4. फैमिली केयरिंग ड्यूरिंग एज ग्रेटर देन 36 एंड इक्वल टू 48 years। 5. सोशल वेलफेयरिंग ड्यूरिंग एज ग्रेटर देन 48 एंड लेस देन 72 years। 6. DEVI यानी थिंकिंग आफ्टर एज 72 years। पिनियस परसेंट इज कॉम्प्यूटेड फ्रॉम बर्थ टाइम सन एंड ट्रांजिट सन पोजिशंस ऑफ सोलर क्लॉक डिस्प्ले फॉर पर्टिकुलर लाइफ साइकिल अंडर कंसिडरेशन। पिनियस परसेंट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक हेल्थ, मेंटल पीस एंड फाइनेंशियल स्टेटस एटसेट्रा। अपने प्रशंसकों की जिज्ञासा को पूरा करने हेतु इस वीडियो के द्वारा प्रश्नकर्ताओं की समस्या का समाधान प्रस्तुत है। सोलर क्लॉक के उपयोग से व्यक्ति विशेष का टाइमलाइन पिनियस ग्राफ ड्रॉ किया जाता है जो प्रश्न संबंधी सही निर्णय देता है। यहाँ प्रश्न में टाइमलाइन पिनियस ग्राफ देश की जनता से रिलेटेड है, इसलिए चित्र में 15th August 2021 का सोलर क्लॉक डिस्प्ले प्रस्तुत है। जनता की खुशहाली का अर्थ है कि किसी प्रधानमंत्री द्वारा अपने कार्यकाल में महंगाई पर अंकुश लगाना, पेट्रोल डीजल की कीमत नियंत्रित करना, फूड ग्रेन्स आदि डेली नीड्स की वस्तुओं के दाम न बढ़ने देना है। अतः प्रश्न का उत्तर जनता की सोलर क्लॉक डिस्प्ले को प्रधानमंत्री की रेस में शामिल कॉन्टेस्टेंट्स की सोलर क्लॉक डिस्प्ले से कंपेयर करने में मिल सकता है और जनता को तुलनात्मक आधार पर सही कैंडिडेट को चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग से सही निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 काल्पनिक व्यक्तियों की सोलर क्लॉक डिस्प्ले डेटा प्रस्तुत है। प्रश्न है कि इनमें से कौन 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा। तीनों कैंडिडेट्स में जनता द्वारा इलेक्टेड एक व्यक्ति प्रधानमंत्री का पदभार 1 जनवरी 2024
सुबह 11 बजे ग्रहण करेगा। दिए हुए डेटा के आधार पर टाइमलाइन पीनियस परसेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए टेबल में कैलकुलेट किया है। जनता का अपेक्षित पीनियस परसेंट किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में निम्नलिखित फैक्टर्स पर निर्भर है: नेचुरल कैलमिटीज, फ्लड्स, स्टोर्म्स, अर्थक्वेक्स, फमाइन एटसेट्रा, एपिडेमिक्स, प्लेग, कोरोना एटसेट्रा, इकोनॉमिक क्राइसिस, प्राइस राइज इन पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा। कंप्यूटर स्क्रीन पर जनता का पीनियस लेवल दैनिक सोलर क्लॉक डिस्प्ले वर्ष 2021 में 19.44% है। मिस्टर एक्स के केस में जनता का पीनियस लेवल 2024 में 32% से आरंभ होकर प्रधानमंत्री टर्म 2024 से 2029 में 62.5% से 58.33% बीच में कंसिस्टेंट रहता है। मिस्टर वाई के केस में पीनियस लेवल 2024 में 36.11% से आरंभ होकर प्रधानमंत्री टर्म 2024 से 2029 में क्रमश घटाता बढ़ता है। 2027 में 82% लेवल छूता है और 2029 में 45% हो जाता है। मिस्टर जेड के केस में पीनियस लेवल 2024 में 30.56% से आरंभ होकर प्रधानमंत्री टर्म 2024 से 2029 में क्रमश घटाता बढ़ता है। 2027 में 85% लेवल छूता है और 2029 में 54% हो जाता है। तीनों कैंडिडेट्स एक्स, वाई एंड जेड के प्रधानमंत्री टर्म 2024 से 2029 का टाइमलाइन पीनियस ग्राफ चित्र में दर्शाया है। यह ग्राफ जन्म समय के सूर्य की स्थिति से ट्रांजिट सन की स्थिति को YARWISE पीनियस परसेंट में कंप्यूट किया है। आउट ऑफ थ्री ग्राफ्स इट इज अपेरेंट दैट मिस्टर एक्स इज मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट बिकॉज पीनियस परसेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द चार्ज ऑफ PM ऑफिस इन 2024 इज 79% एंड एट द एंड ऑफ ईयर 2029 इट इज 58.33% विच इज बेटर देन अदर कैंडिडेट्स। यदि कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट अपने घोषणा पत्र में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए यह डिक्लेयर करे कि उसके कार्यकाल में पेट्रोल डीजल को अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा, उस पर कोई टैक्स GST आदि नहीं लिया जाएगा, तो जनता का पीनियस परसेंट एकदम बूस्ट होगा और जनता उसे प्रधानमंत्री इलेक्ट कर देगी। शिक्षा के आधुनिकरण संबंधित विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो निर्माण कार्य के माध्यम से हम शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे कि शगुन सॉफ्ट एप्स के सभी सॉफ्टवेयर को ITI स्किल्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शीघ्र ही सम्मिलित किया जा सके, क्योंकि 21वीं सदी में पुराने पाठ्यक्रम से शिक्षा प्राप्त छात्र नौकरी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। भविष्य में रिसर्च स्कॉलर्स नए ज्ञान के साथ रिसर्च करके ही सोसाइटी की सेवा कर सकेंगे। अपने चैनल के ज्ञानवर्धक वीडियोस द्वारा हम स्टूडेंट्स और टीचर्स को नए वीडियो तैयार करने हेतु मोटिवेट करते हैं। GMAT फाउंडेशन देश का पहला संस्थान है जहां 10th पास स्टूडेंट्स को करियर स्किल्स की शॉर्ट टर्म 3MoNTHS ITI सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दी जाती है। विभिन्न ITI ट्रेड्स इस प्रकार हैं: 1 मैथ लैब CLASSCSS फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्कूल, 2 मैथ लैब ट्यूटर, लैंड सर्वेयर, लैंड वैल्यूर, DO मैकेनिक्स, GMAT सॉफ्ट एप्स यूजर्स, एजुकेशन रिफॉर्म वीडियो मेकिंग, CAD सपोर्ट सॉफ्ट एप्स यूजर्स, सेटिंग क्रिकेट एकेडमी, प्रोडक्ट मार्केट सर्वे एटसेट्रा। उपरोक्त ITI ट्रेड्स में प्रशिक्षण लेकर 10th पास स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट के साथ फ्यूचर में क्वालिफिकेशन इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण बहुत से कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वे शगुन सॉफ्ट एप्स की फ्रेंचाइज लेकर 10th पास स्टूडेंट्स के लिए करियर स्किल्स के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेस रन कर सकते हैं। प्रियजनों, आपने प्रस्तुत वीडियो में इनकम बढ़ाने के नए तरीके जाने और वर्क फ्रॉम होम के नए विकल्पों को जाना। आपने नई जानकारी को लाइक किया है और क्योंकि यह जानकारी आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।